Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी, इसे पहनकर तैयार हो जा। आनिया, मैं ये नहीं पहनूंगी। और तुमने क्यों? कितनी खुदगर्ज हो तुम, किसी के जज्बात की कदर नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जब एक रिश्ता बनाने जा रही हो तो उसके तकाजे भी पूरे करने होंगे। तुम्हें पता है तंजीला, जीशान ने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारा दीवाना हो गया। तब से मेरे पीछे पड़ा है, रोजाना कॉल करता था कि तंजीला ने क्या जवाब दिया, क्या वो मान गई। आने बिल्कुल ठीक कह रही है, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप कुछ नहीं कहेंगी क्या? हाँ तंजीला, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या बोलूं? थैंक गॉड आप कुछ बोली तो सही, आपकी आवाज तो सुनी। अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। मैं चाय लेकर आती। अरे आते, आप आ गए, इनसे मिलिए। ये है जीशान, मैंने आपको बताया था ना, मैंने लंच के लिए इनवाइट कर रही। किसकी इजाजत से बुलाया तुमने इन्हें यहाँ? ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बगैर तुम इन्हें यहाँ कैसे बुला सकती हो? आनिया, मेरे ख्याल से इन्हें अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ पर आना। आप बीच में मत बोलें प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैं घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करना तो दूर, बदतमीजी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए प्लीज आप यहां से जा सकते हैं। आतिर, आतिर, ये क्या किया आपने? घर आ गए मेहमान के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है, क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? कितनी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे। और मैं, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं, मना किया था ना उसे बुलाने से, क्यों बुलाया उसे? मैं शायद उससे ना बुला, लेकिन तंजीला के कहने पर मैंने उसे बुलाया। झूठ बोल रही हो तुम, मैं तुम्हारी इस फितरत को अच्छी तरह जानता हूं। हमदर्दी का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। तंजीला उसको बुलाना तो दूर की बात, उसे बुलाने का सोच भी नहीं सकती। आपको तो मेरी हर बात झूठी लगती है। आतिर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं सब कुछ तंजीला की भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हें उसका भला सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तो ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। अगर तुम्हारा मकसद तंजीला की शादी करना ही है तो मैं करूंगा तंजीला से शादी। और ये शादी आज होगी, अभी और इसी वक्त। नहीं आते, आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप ऐसा। मैं ऐसा ही करूंगा और ये करने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। आतिर, आतिर आप ऐसा नहीं करेंगे। आतिर, जब तक तंजीला यहां रहेगी इस घर से फसाद खत्म नहीं होगा। आतिर कहां लेके जा रहे हैं मुझे? आतिर छोड़िए मेरा हाथ। हम दोनों निकाह करेंगे। आज, अभी और इसी वक्त। क्या कह रहे हैं? हम दोनों आज ही निकाह करेंगे। और तुम मना नहीं करोगी, तुम बिल्कुल खामोश रहोगी तंजीला, बस। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आज। आप होते कौन हैं? ये मेरी जिंदगी है, मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं इसका फैसला मैं खुद करूंगी। और मैं फैसला कर चुकी। मैं सिशान से शादी करूंगी। तंजीला तुम्हें क्या कह रही? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। और ये बात मैं अपने पूरे होशावास में कह रही हूं। मैं सिशान से शादी करूंगी। ये मेरा फैसला, मेरा अपना फैसला। और आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या ये कैसे हो सकता है?
तंजीला भाभी उस बंदे से कैसे शादी कर सकती है? ऐसा हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या हो गया तंजीला भाभी को? मैं खुद बात करूंगा उनसे। कोई फायदा नहीं, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। यकीनन आनिया ने ही उन्हें मजबूर किया होगा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, जानता हूं मैं तंजीला अब नहीं मानेगी। बदला ले रही है वो मुझसे, अजियत देना चाहती है मुझे। ये सब क्यों हो रहा है उस्मान? क्यों? मैं उसे हमेशा के लिए हासिल क्यों नहीं कर सकता? कितनी मुश्किलों से मैंने उसे हासिल की, फिर एक गलत फहमी की वजह से उसे मैंने खो दिया। और अब जब एक मौका मिला है अपनी गलती को सुधारने का, दोबारा उसे पाने का, और अब वो भी मुझसे छिन रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। अब तुम जल्दी से ऑफिस आओ। तो ये बात है, तंजीला की शादी? ठीक है। आप यहाँ क्या कर रही? वो सर ये फाइल दिखाने आई थी आपको, मगर आप अपने रूम में ही नहीं। आप मेरा इंतजार भी कर सकती थी। लेकर आइए। शान फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं आतर की वजह से नाराज तो नहीं हो गया? क्या मुसीबत है? एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा आकर होता है। अब उसे भी जाकर खुद मनाना पड़ेगा। कब से कॉल कर रही थी, तुम उठा ही नहीं रहे थे, तो सोचा आ जाती हूँ। और मैंने सोचा गुड न्यूज खुद तुम्हें दे दूं। आतिर की तरफ से सॉरी भी कहना था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन वो भी तुम पर। मुझ पर? हाँ नहीं, तुम्हें इस तरह मुझे वहां पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पहले वहां पर बात कर लेनी चाहिए थी। शादी कोई मामूली बात नहीं। आतिर का और तंजीला का आपस में रिश्ता रह चुका है। आतिर का तंजीला के साथ जो भी रिश्ता था खत्म हो चुका है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और जो भी मसले थे वो हल हो चुके। बल्कि तंजीला ने तो साफ साफ आतिर से कह दिया है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे।
तुमसे शिकायत ना करता तंजीला, प्लीज प्लीज तंजीला ऐसा मत करो। आतिर आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगे। ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का अख्तियार होना चाहिए। तुम्हें इख्तियार है तंजीला, लेकिन तुम वो फैसला करने जा रही हो जिसके लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है। और मैं जानता हूं ये सब कौन कर रहा है, इस सब के लिए तुम्हें आनिया मजबूर कर रही है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर बात आपकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए? हर फैसला आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत क्या करें प्लीज। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा। आनिया प्लीज बस कर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन जीशान को तो चाहिए ना। और अगर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया तो तुम्हें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं आपके और उसके एक्स रिलेशनशिप के बारे में भी जानता हूँ, इसलिए आपसे पूछना जरूरी था कि आप किसी जज्बाती मजबूरी की वजह से तो उसे शादी नहीं कर रहे हैं।